नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने पंजाब नेशनल बैंक में है जो कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, अकाउंट ओपनिंग करने में भी कोई चार्ज नहीं है और आपको इसमें मेंटेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि कई बैंक को करता है 2-3 हज़ार, वैसी कोई मेंटेनेंस भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, पूरा अकाउंट आपका घर बैठे ही खुलेगा, घर पर ही आपकी जो कि वेलकम किट वगैरह आएगी, ATM, चेकबुक जो भी है सब घर पर ही आएगा। और पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ आप सभी को, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या क्या आपको करना होगा, सब चीज़ बताने वाला हूँ लाइव यहाँ पे। तो इस वीडियो को लाइक नहीं करी तो लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देर के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने फ़ोन में जो कि प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर में जाना है आपको, सिंपली सर्च कर लेना होगा PNB1 लिख के आप सर्च करते हो ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको जो कि आपको अपने फ़ोन में जो कि इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे ही आप है जो कि इस ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड होते ही आपको अपने फ़ोन में जो कि इसे ओपन करना होगा। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, आपको परमिशंस है जो कि सारी अलाउ करनी होंगी यहाँ पर जितने भी मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए लॉगिन के नीचे ओपन अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो कि आपको लोडिंग लेगा और आपको जो कि इनडायरेक्ट करा जाएगा एक वेबसाइट पर। तो वो कोई सा भी हो सकता है, आपको इनडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली और आप अपने यहाँ पे जो कि वेबसाइट पे पहुँच जाओगे जहाँ से आपका अकाउंट है जो कि ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लीजिए अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन आपके पास होना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपके फ़ोन में नेट होगा ही, सबके फ़ोन में होता है। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास ईमेल आईडी और आधार नंबर, और आधार नंबर जिससे लिंक है, आधार कार्ड नंबर जिससे लिंक है उस पर OTP आएगा, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए। आप सिंपली करोगे अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप आओगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है सेलेक्ट अकाउंट टाइप। तो यहाँ पर है जो कि बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से है जो कि उनका जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं एक अकाउंट पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए उन्नति अकाउंट, तो उन्नति अकाउंट में देख लीजिए यहाँ पे सेमी अर्बन और रूरल एरिया मेट्रो एरिया में कितना कितना मेंटेनेंस करना है वो लिखा है यहाँ पे, 500,000, 2,000। तो आपको सेलेक्ट करना होगा PNB बेसिक सेविंग अकाउंट। तो इस पे देखिए जीरो है बिल्कुल, कोई एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखना, कोई आपको इनिशियल फंडिंग कुछ नहीं करना, ये बैलेंस आप सेलेक्ट करोगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपसे टर्म एंड कंडीशन एग्री करने को कहेगा, इस पे एग्री करके आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जो कि सिंपली क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप जो कि प्रोसीड करते हो यहाँ पर, तो ये देखिए आपके पास से कह रहा है कि यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालिए जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, उसके बाद ईमेल आईडी डाल के इस टर्म एंड कंडीशन को आप जो कि एग्री करोगे, यहाँ पर जो भी टर्म एंड कंडीशन दे रखी है इस बॉक्स पर टिक लगाओगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो प्रोसीड आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो मेक श्योर करें आपके पास ये मोबाइल नंबर हो ताकि OTP आप यहाँ पर भर सको, और OTP भर के वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो यहाँ पर देखिए आपसे मांग रहा है आपका आधार नंबर। तो जो भी आपके आधार नंबर हो, जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हो, वो आप अपना यहाँ पे आधार नंबर है जो कि भर दोगे अपने आधार कार्ड पे से देख के, और ये जो बॉक्स है इस पर टिक लगा दोगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जो कि क्लिक कर दोगे। तो जो आप प्रोसीड करते हो फिर आपके जो कि फिर से OTP सेंड करा जाएगा, तो आपको जो कि अपना OTP यहाँ पर देख लेना होगा, अगर सिम आपके में लगी होगी तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा और वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पर है जो कि लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग लेते ही यहाँ पर देखिए आपके सामने नेक्स्ट जो आया है यहाँ पे पैन नंबर मांग रहा है। तो आप यहाँ पे डालोगे अपना 10 डिजिट का पैन नंबर, तो ये अपने पैन कार्ड पे से देख के एकदम सही नंबर भरे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे एकदम क्लिक कर दें। अब यहाँ पर लोडिंग ले रहा है तो आपको वेट कर लेना होगा, और बीच में जो कि रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, कई लोगों का टाइम लगता है तो वो लोग कट कर देते हैं, विंडो को बंद कर देते हैं, तो पेज को रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, आपका प्रोसेसर जो कि आगे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद अपना जो कि यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स भरना है, जैसे कि नेम के आगे का प्रीफिक्स, अपना नाम वगैरह तो आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस वगैरह भी आधार कार्ड के माध्यम से ले लिया गया है यहाँ पर। तो आपको जो कि नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपका यही है जो कि परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यस कर देना होगा अगर है तो, और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर पूछ रहा है आर यू मैरिड, तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अपना भर देंगे, जो भी है सिंगल है मैरिड है जो भी आप भर देंगे यहाँ पे। उसके बाद अपना है जो कि आप सपोज का नेम भर दोगे यहाँ पर देखिए, और अपना है जो कि मदर नेम भर दोगे यहाँ पर जो भी है,
और फादर नेम वगैरह भर दोगे। तो ये सब कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे भर देना होगा अपना। और नीचे आओगे तो रिलीजन और कैटेगरी अपना भर देना होगा। फिर यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ उस सिटी का नाम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, कितना है वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप भर दोगे। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा कस्टमर स्टेटस, तो वो आप कर दोगे यहाँ पर। और नीचे आपको यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस भी ऑक्यूपेशन से आप रिलेट करते हो। अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस का नाम वगैरह। और इसके बाद एनुअल इनकम आपको भरनी होगी, नेटवर्थ भरनी होगी, ये सब आप भर लोगे। यहाँ पर पूछ रहे नॉमिनेशन रिक्वायर, यानी कि आप जो कि अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे अपने नॉमिनी की जो कि डिटेल्स वगैरह भरोगे, जो भी आपके नॉमिनी का नाम है वो सब आप जो कि यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद देखिए नॉमिनी प्रिंटिंग ऑन पासबुक, तो नॉमिनी का नाम अगर प्रिंट करना चाहते हैं पासबुक पे तो यस करेंगे और बॉक्स पे टिक लगा के प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों ब्रांच सिलेक्शन। कई लोग हैं जो कि यहीं पर ही गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर है जो कि सबसे पहले तो आपने स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेते हो। तो उसके बाद आपसे कहते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आप अपना चुन लोगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, जिला, जिला आप अपना चुन लोगे। और उसके बाद जो कि आप जिला जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपके जिले के आसपास जितने भी ब्रांच है वो सारे आपको शो करेंगे आपके राज्य के। तो आपको वो चूज़ करना है जिसमें आप जाके अपना काम है जो कि फिजिकली करवाना चाहते हो, जैसे कि कुछ भी काम पड़ता है फिजिकली तो आप ब्रांच में जाके करा सकते हो। तो अपना एक ब्रांच सेलेक्ट करना होगा जो कि आपके घर के सबसे नज़दीक में हो। उसके बाद देखिए सर्विसेज में आप जो भी लेना चाहते हैं उन सब पे टिक कर दोगे, जैसे कि हम ATM सर्विस लेना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं। फैसिलिटी टाइप में फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे व्यू एंड ट्रांजैक्शन। आप जब भी करें ये व्यू एंड ट्रांजैक्शन जरूर करें। कई लोग हैं जो कि व्यू ओनली क्लिक कर देते हैं, तो लोग हैं जो कि बाद में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे सब कुछ चाहते हैं, चेकबुक भी चाहते हैं, तो सब कुछ हमने ओके कर दिया और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए कंसेंट आपसे मांग रहा है, एग्री यहाँ पे कर देंगे आप अपना टर्म एंड कंडीशन को। बॉक्स पे आपको टिक लगा देना होगा और ये जो भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, मेक श्योर करें कि आप पढ़ ले, वैसे तो कोई सबको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपसे वीडियो KYC का कंसेंट ले रहा है, तो यहाँ पर आपको जो कि एग्री कर लेना होगा यहाँ पे। अब एक बार है जो कि आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है आपके एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे सब कुछ है जो कि एक बार आप दोबारा से चेक कर लें कि जो भी आपने डिटेल दिया है यहाँ पर बिल्कुल सही है, वरना फिर गलत हो जाएगा तो बाद में आप बैंक के चक्कर लगाओगे सही करने के लिए। तो सब चीज़ एकदम चेकआउट कर ले, एकदम मैरिटल स्टेटस वगैरह, फादर्स नेम, सपोज नेम, जो भी है सब कुछ चेक कर लें। और एक बार सब कुछ आप चेक कर लेते हैं फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। तो सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल्स अब सारी जो कि वेरीफाई करी जा रही हैं। और डिटेल्स वेरीफाई होते ही यहाँ पर देखिए आपका जो अब प्रोसेस चलेगा, आगे चलेगा वीडियो KYC करने का प्रोसेस। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके एप्लीकेशन एकदम तैयार है, डिटेल्स वगैरह सब कुछ, जो भी आपने ब्रांच सेलेक्ट करी है। आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन की एक PDF भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जो कि आपकी एप्लीकेशन की PDF है जो कि डाउनलोड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको चाहो तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो। अगर आपके पे सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी रेडी है, जैसे कि आपको अपने पास एक वाइट पेपर पेन रखना है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड, ये सब चीज़ अपने पास रखनी है, तो आप जो कि ये सब चीज़ लेकर रेडी हो तो सिंपली आपको प्रोसीड फॉर वीडियो KYC पे क्लिक करना है। और मान के चलिए अभी आपने ऑनलाइन अकाउंट तो ओपन कर लिया पर आप KYC कभी और करना चाहते हो तो शेड्यूल अ कॉल पे क्लिक करोगे। शेड्यूल अ कॉल पे आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर जो कि आपकी कॉल है जो कि मतलब वीडियो कॉल यहाँ पे शेड्यूल होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए लोडिंग ले रहा है पेज, अभी वेबसाइट लोड हो रही है। यहाँ पर आपको अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेनी होगी किस भाषा में आप अपनी वीडियो KYC करना चाहते हो। तो जिस भी भाषा में करना चाहते हो सेलेक्ट करते ही यहाँ पर देखिए जो भी डेट है जो कि यहाँ पर आ गई है, किस डेट को आप करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तारीख में तो अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो हम किसी दूसरी तारीख में देख लेते हैं, जैसे कि 17 मई को देख लेते हैं। तो जो भी ग्रीन स्लॉट दिखा रहा है उसमें अवेलेबल रहते हैं, तो आप यहाँ पर जो कि अपनी बुकिंग कर सकते हो स्लॉट की। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक स्लॉट बुक कर लेता हूँ, जैसे कि 11 बजे कर लेते हैं मान के चलिए। तो 11 बजे को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्लॉट जो कि सिलेक्टेड हो गया है और नीचे आपको दिखा रहा है काइंडली कन्फर्म योर स्लॉट, तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इतने बजे जो कि आपकी होगी शेड्यूल, तो आपको सिंपली जो कि बुक स्लॉट इस वाले ऑप्शन पे जो कि क्लिक कर देना होगा। जैसे ही है जो कि आप इस पर क्लिक करते हो आपकी जो कि बुकिंग सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए थैंक यू, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू एट कितने बजे, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ कि कितने बजे आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट होगी। तो आपको जो कि एक KYC लिंक भी सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल ID पे।
तो उस लिंक का यूज़ करके आप जो कि अपनी वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर लेते हैं। और मान के चलिए किसी भी कारण से अगर आप जो कि शेड्यूल टाइम पे नहीं कर पाते केवाईसी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई बटन में एक लिंक दे दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपकी वीडियो केवाईसी जो कि तुरंत से तुरंत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना जो कि अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मात्र जो कि 15 दिन में आपकी किट आ जाएगी घर पे, और इसी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।